विविध भाषा संस्कृति के इस देश में राष्ट्रभाषा हिंदी देश भर में न सिर्फ समझी जाती है वरन करोड़ों लोगों की बोलचाल की भी प्रमुख भाषा है। हिंदी को फैलाने में हिंदी फिल्मों का भी अहम योगदान है, जिसके कारण अलग अलग प्रांतों की अपनी मातृभाषा होने के बाद भी हिंदी लोगों की जुबा पर आ गई है। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद से साल दर साल हिंदी फिल्मों के निर्माण की संख्या बढ़ती गई और आज स्थिति यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साल भर में सबसे ज्यादा फिल्में बना रही है। हिंदी में फिल्मों का निर्माण मुंबई में शुरू हुआ था, जहां की मातृभाषा मराठी है, वहीं अन्य राज्यों में वहां की मातृभाषा में फिल्में बनती रही, लेकिन जो स्तर हिंदी फिल्मों का रहा और जो लोकप्रियता हिंदी फिल्मों की रही वो बाकी क्षेत्रीय भाषा फिल्मों को नहीं मिली। यही वजह रही कि हिंदी की फिल्मों को न सिर्फ देश भर में देखा जाने लगा वरन दुनिया भर में इसका प्रदर्शन हो रहा है। साहित्य के कठिन शब्दों से परे सीधे सरल बोलचाल वाले शब्दों का इस्तेमाल हिंदी फिल्मों में हुआ। नतीजा ये हुआ कि गैर हिंदी भाषी लोगों की जुबा पर भी हिंदी के शब्द चढ़ते गए। सालगिरह मुबारक। ये हार आप? जी, मेरा नाम राजा है। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आपके डैडी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ओह, डैडी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर राजा। हूँ तो मैं बिन बुलाया मेहमान, फिर भी सालगिरह मुबारक। मिस्टर मित्तल, कल रात आपके यहाँ चोरी हुई। चोर भागता हुआ मेरे मकान में घुस आया और दीवार फांदते वक्त हार उसके हाथ से छूट कर वहीं गिर गया। जब सुबह नौकर मेरे पास लेकर आया तो मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं। फिर ख्याल आया कि आपकी खुशी में क्यों बाधा डालूं। मैं आपका सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। वहीं सुमधुर संगीत के दौर ने हिंदी के गीतों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया और हिंदी की पहुंच फिल्मों ने वहां तक कर दी जहां तक हिंदी कभी पहुंची ही नहीं थी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आजादी के बाद कई कार्यक्रम हुए, लेकिन हिंदी फिल्में 1931 के बाद से ही बिना किसी शोर शराबे के हिंदी का गुपचुप प्रचार प्रसार कर रही हैं और मनोरंजन का साधन सिनेमा हिंदी भाषा के विस्तार का अहम जरिया बन चुका है।